नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इसमें पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में। सबसे पहले समझिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC है क्या। INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जिसे भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये कॉरिडोर समुद्री, रेल और सड़क मार्ग से इंटरलिंक और इंटरकनेक्टेड होगा। ये रूस और उत्तरी यूरोप को अजरबैजान और ईरान के रास्ते भारत, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों से जुड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें पाकिस्तान की भागीदारी की। तो हाल ही में पाकिस्तान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर INSTC में शामिल होने का फैसला किया है। पाकिस्तान के रूस में राजदूत खालिद जमाली ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान इस परियोजना में शामिल होने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इससे पाकिस्तान को नए बाजारों से जुड़ने और निवेश के लिए अवसर प्राप्त होंगे। ये तो हुई दोस्तों पाकिस्तान की भागीदारी, लेकिन इससे पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? तो नए बाजारों से पाकिस्तान का जुड़ाव होगा। पाकिस्तान के इस कॉरिडोर से जुड़ने से उसे नए बाजार मिलेंगे जिससे उसके व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। इसके साथ ही दोस्तों क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान अब रूस, अजरबैजान और ईरान के साथ मिलकर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकेगा। साथ ही दोस्तों समय और धन की बचत भी होगी। ये तो हुई पाकिस्तान की बात, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात हो रही है वहां भारत की बात होनी तो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच INSTC एक महत्वपूर्ण परियोजना रही है, लेकिन पाकिस्तान की भागीदारी से भारत को कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ सकता है, जैसे कि CPEC के साथ संभावित जुड़ाव। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC और INSTC आपस में जुड़ते हैं तो इससे भारत के भू राजनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है। सेकंड दोस्तों चाबहार पोर्ट जो ईरान में स्थित है, INSTC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि चीन द्वारा विकसित किया गया है INSTC से जुड़ता है तो चाबहार पोर्ट का महत्व कम हो सकता है। साथ ही रूस और पाकिस्तान की निकटता, पाकिस्तान का रूस से जुड़ाव दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत कर सकता है जिससे भारत के रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए INSTC में शामिल होना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि अमेरिकी दबाव, पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर वह रूस के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके अलावा सुरक्षा मुद्दे, जैसे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे कॉरिडोर के संचालन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आंतरिक अस्थिरता, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता भी इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों INSTC और पाकिस्तान की भागीदारी न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक भू राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके कई फायदे और चुनौतियां हैं जो विभिन्न देशों के लिए अलग अलग परिणाम ला सकती है। तो अंत में दोस्तों हमें ये समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर कदम के लिए लाभ और हानि होते हैं। भारत को अपनी रणनीतिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी और आवश्यकता अनुसार अपने कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की सूचना जरूर मिल सके। थैंक यू।